क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच बीन डिवाइडेड बाई 25, 40, 60, लीव्स 9 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। क्वेश्चन में बोला गया है कि वह छोटी से छोटी नंबर बताइए, मतलब वह छोटा से छोटा नंबर बताना है जो 25 से डिवाइड हो जाए, 40 से डिवाइड हो जाए और 60 से भी डिवाइड हो जाए, लेकिन डिवाइड होने के बाद उसमें सभी में अगर इन सारे नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होने के बाद उसमें 9 जो है रिमाइंडर आना चाहिए। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऐसा नंबर बताइए छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए लेकिन डिवाइड होने के बाद उसमें जो है 9 रिमाइंडर रहे, 9 जो उसमें शेष बचे। ठीक है, ये ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो अगर हम 25, 40 और 60 का एलसीएम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं तो एलसीएम से जो नंबर आएगा वो नंबर तीनों नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर उसमें हम लोग एलसीएम में अगर 9 प्लस कर देंगे तो क्या होगा कि इन सारे में से जिसमें जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे उसमें 9 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे जो हमको फाइंड करना है वो होगा यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर। जो नंबर हम लोग को चाहिए वो कौन सा नंबर होगा, तो वो होगा इन सब का एलसीएम प्लस 9। ठीक है, लिखेंगे एलसीएम ऑफ किसका है 25, 40 एंड 60। ठीक है, इनका एलसीएम प्लस 9, इसमें 9 प्लस करना होगा। 9 प्लस करते हैं तब ये हमारा जो नंबर हमको जो चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड करना है, देयर पर यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम कितना 25, 40 और 60 का। डिवीजन मेथड के द्वारा यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 25 डिवाइड नहीं होगा, 40 20 टाइम्स में, 60 30 टाइम्स में। फिर से यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 25 डिवाइड नहीं होगा, 20 10 टाइम्स में, 30 15 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 25 हो जाएगा 5 टाइम्स में, 10 हो जाएगा 2 टाइम्स में, 15 हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो इसका एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो एलसीएम यहाँ पे लिख देते हैं। एलसीएम लिखेंगे इसका एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, सबका एलसीएम अगर यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके जो है सबका आ जाएगा यहाँ पे 600, 600 जो है इसका एलसीएम हो गया। तो ये 600 जो नंबर है ऐसा नंबर है कि अगर इसको 25 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 40 से डिवाइड करें तो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा नंबर फाइंड करो जिसमें सब में रिमाइंडर 9 आना चाहिए डिवाइड करने के बाद। तो क्या करते हैं कि इस नंबर में 9 को प्लस कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर देयरफोर रिक्वायर्ड नंबर, देयरफोर रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल टू 600 प्लस 9 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 609, और यही हो जाएगा आंसर। मतलब 609 वो नंबर है जिसको अगर 25 से डिवाइड करें, 40 से डिवाइड करें, 60 से डिवाइड करें, डिवाइड तो होगा लेकिन सब में रिमाइंडर जो है वो 9 बचेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो इस मेथड के द्वारा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।